हेलो दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि यदि हमारा हाथ कट जाए तो वहाँ से कुछ देर बाद खून निकलने लगता है। ये जो है साधारण सभी जानते हैं इसको। तो खून निकलने लगता है वह कुछ समय पश्चात। प्लेटलेट्स सुना होगा आपने, वो रक्त को बंद कर देते हैं। प्लेटलेट्स आकर रक्त को व्यर्थ नहीं जाने देते, वह उसको जमा देते हैं। देखिए, कटे हुए स्थान पर वन बाय वन जाकर प्लेटलेट्स इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई ब्लड वेसल जो है जाकर बाहर ना निकल पाए। मतलब लगे हुए स्थान पर से रक्त बाहर ही ना जाए। तो वन बाय वन वो आकर वो एक दूसरे के ऊपर जो है प्लेटलेट्स आकर जहाँ पर खरोच लगा हुआ होता है, जहाँ जहाँ पर लाग दिया होता है, तो वहाँ पर वो प्लेटलेट्स आकर उन सभी को घाव को भरने लगते हैं धीरे धीरे करके, जहाँ पर खून का थक्का जम जाता है। परंतु दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि एक रोग ऐसा भी होता है जो प्लेटलेट्स थक्का को जमने ही नहीं देता। हाँ दोस्तों, ये मैं आप पता नहीं आप किन लोग जानते हैं इसको, लेकिन मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। उसका नाम है हीमोफीलिया, ब्लीडर्स रोग कहते हैं इसे। इसमें जो है आपके प्लेटलेट्स जो है उसको जहाँ पर खरोच हुआ होता है वहाँ पर खून को जमा नहीं पाते और खून का प्रवाह हमेशा लगातार होता रहता है, जिससे आपका शरीर बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुँच जाता है। अगर ये ऐसे ही रहा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत ही ख़तरनाक होता है यह रोग, हीमोफीलिया इसका नाम है। तो हीमोफीलिया में रक्त का स्राव बंद नहीं होता। गणपति बाबा मोरिया, तभी वो सुरक्षित रहेंगे, वरना उनका ब्लड निकलता ही रहेगा लगातार, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो बाय द वे गाइस, वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।